आज हम दाल तड़का में लगाएंगे ऐसा मजेदार तड़का कि सारे घर वाले मांग मांग कर खाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक बोल में लिया है एक कप दाल, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसके बाद मैंने दाल को प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर दिया है और इसके साथ मैंने इसमें डाला है प्याज, टमाटर, सूखी हुई लाल मिर्चें, थोड़े से खड़े मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे थोड़ा सा बारीक किया हुआ धनिया, एक चम्मच नमक, 3 कप पानी और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। कुकर का ढक्कन लगा के हम इसमें 2 सीटी लगा लेंगे और जैसे ही दाल पक जाएगी हम कुकर का ढक्कन हटा के इसको खोलेंगे और ज़रूरत के हिसाब से गर्म पानी डाल के दाल को ठीक से मिला लेंगे। और अब बनाएंगे मसालेदार तड़का, तो इसके लिए मैंने एक पैन में लिया है घी, इसमें डालेंगे हम जीरा, चॉप किया हुआ गार्लिक, चॉप किया हुआ अदरक, कुछ सूखी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हींग। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे लाल मिर्ची और ये गर्मा गर्म तड़का जाएगा हमारी दाल पे और इसको बनाते हुए एकदम तड़क भड़क टेस्टी और मजेदार। साथ में डालें थोड़ा सा नींबू का रस। तो गर्मा गर्म दाल तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है और पूरी रेसिपी देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें फूड एंड फ्लेवर्स का फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल।